और जिसको ये चीज प्राप्त हुई वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया, क्योंकि हर तरह की कृपा, हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दुख देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपास करें। पता नहीं कहां से ये उपास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं जो असहज है। सर्वसाधारण गृहस्थी में ही रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं, आपकी गृहस्थी के भी प्रश्न टूट जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और एक नवीन तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसी तो पूरी जमात की जमात तैयार हो रही है। बिस्मिल्ला खान साहब आए थे स्विट्जरलैंड में, उन्होंने देखा वहां पे यूरोप के सारे सहयोगी बैठे थे, एक कान से उनका सुन रहे थे। कहा कि माँ ये आपने बनाया कैसे, इनको किस तरह से ये सब समझ में आ रहा है और ये किस तरह से हमें सुन रहे हैं और ये इतनी शुद्ध हिंदी भाषा में किस तरह से हिंदुस्तानी गाने गा रहे। मैंने कहा भाई देखो ये अब हो गए आत्मा स्वरूप, तो आपका मतलब ये खालिश हो गए। मैंने कहा हाँ खालिश हो गए। मैंने कहा मैं खालिस्तान बना रही हूँ, तो कहले वो लोग क्या बना रहे हैं। मैंने कहा उनसे जाके पूछो ये खालिस्तान जहाँ लोग खालिस हो गए। इसी का वर्णन किया गया है जो बताते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। और सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें हैं, वो मनुष्य ने ही बनाई है, इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं हो सकता। इस परिवर्तन की क्या कहेंगे कि हमने देखा जो लोग हाथ में हमेशा क्रोध लिए घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ध्यान लिए घूम रहे। आपको देखना चाहिए इस सहयोगी जो इंग्लैंड में है, जो कि इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ा के, ये योग भूमि है। इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन हुआ। और जब देहातों में जाते हैं तो गरीब बेचारे देहात में, बहुत सारे गरीब देहाती अभी सहयोगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से उनसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के ये भाई आपस में मिल रहे हैं। और देख देख कर ऐसा आनंद होता है, ये प्रेम का सागर, ऐसी दुनिया अब बन गई है। मैं रोज ही देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनते हुए। मैं तो सोचती हूँ कि दिल्ली शहर में भी ऐसी दुनिया बस जाए, इसकी बहुत जरूरत है। जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखे, अपने आनंद को देखे, इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को। और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसी ऐसे इंसान की एक नजर भी काफी है कि आपको शुभ आशीर्वाद दे। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहां शांति हो जाएगी, जिस घर में जाएगा वहां शायद आ जाएगा, जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला हो जाएगा। क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने ये सुंदर सी चीज हमें दी हुई है और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त होते। कृष्ण की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार ही होगा, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात है, एक शब्द पे नचा रखा है दुनिया को। अनन्य माने जब दूसरा न हो,
ये कब हो सकता है? आप यहाँ बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए तो गला फट जाएगा और कैंसर हो जाएगा। भगवान का नाम रखते 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 आदमी पगला जाता है, बजाय इसके कि अपनी उच्चतम स्थिति को जाए वो और ही पागल हो जाता है। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते हैं, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते हैं, तब एक बार ही नाम ले लिया, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली, ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में वो ऐसा रचता है कि जैसे आनंद के डोह में और आनंद के तरंगों में लहरता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। नामदेव थे, बड़े भारी महाराष्ट्र के कवि थे, और बाद में वो जब पंजाब में गए तो नानक साहब ने उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर किया, और उनके भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ साहब में रखे हुए। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुम्भार उनसे मिलने गए। जब गोरा कुम्भार मानेंगे कि जो उनका मराठी कुम्भार कहते हैं, जिसे हम लोग कुम्भार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं घड़े वगैरह, मिट्टी जो से घड़े बनाते, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया था। मराठी में है निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणा, मैं तो निर्गुण को मिलने आया था तो तू तो सगुण में खड़ा है रे, क्या कहना है? ऐसे कोई कहता है? कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया तू तो सगुण में खड़ा है? क्या कहने इन लोगों की। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता और उस महान प्रेम को जब वो अनुभव करता है, उसको लगता है कि किस किस को बुलाओ। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, पांचो पचीसो पकड़ बुलाऊ एक ही डोर उड़ाऊंगा। सारे मिलन के गाने इन लोगों ने गाए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी, और इधर में बंगाल में भी, और दक्षिण में भी, हर जगह में जाती हूँ। अभी गई थी गुजरात, वहां भी सारे संतों ने सारे वातावरण में ये गूंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और संत बनो, और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। आज समय आ गया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में आप आए, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आपके आते हम भी आ गए, जिससे कि ये कार्य घटित हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन पहले ही से आप अगर ये सोचे बैठे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, तो मेहरबानी से अपने जूतों के साथ उसे बाहर आ गए। ये सब आपके दिमाग में किसी ने भरी हुई बातें, बेकार। आखिर गलतियां मनुष्य ही कर सकता है, परमात्मा तो नहीं करने वाले गलती। तो इतना अपने से नाराज नहीं होना चाहिए, उससे ये चक्र पकड़ जाता है जिसे हम लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं, और ये चक्र पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, दुनिया भर की बीमारी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात्कार नहीं, तो सबसे पहले अपने प्रति प्रसन्न हो। आपने कोई गलती नहीं की, आपने कुछ भी किया हो इस समय आप भूल जाइए, और इस छोटे से समय में जो कुछ भी कहना था तो मैंने कह दिया। कारण ये है कि ये ज्ञान हजारों टेप्स में बंधा हुआ है, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। तो बेहतर है कि हम समझ लें, जैसे इस लाइट को जलाने के लिए एक स्विच है, उसको
जलाने से सब जल जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी कोई स्विच है जो परमात्मा ने बनाया। नहीं तो अगर मैं आपको पहले ही बताने लगूं कि बिजली कहाँ से आई, इसको किसने बनाया, इसका इतिहास क्या, फिर दिल्ली में कहाँ है, फिर उसका मैकेनिक क्या, तो आप उठ के सब चले जाएंगे, आपको सर दर्द होगा। तो पहले आप प्रकाश को प्राप्त कर ले, फिर आगे की बात करें। अब सबने मुझे मना किया कि आप प्रश्न पूछने के लिए लोगों को मना कर, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न बड़े उटपटांग होते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग यहां अपना हित करने आए हैं या सबका अहित करने आए, और न जाने क्यों इतने झगड़ालू तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे कोई पार्लियामेंट लगी हुई है, जैसे आज पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा। हम तो आपको आपकी चीज देने आए हैं, उसमें झगड़े की कौन सी बात। अगर हमने कहा कि ये बात है तो एक जैसे एक धारणा दी आपके सामने, एक हाइपोथेसिस है, तो आपको देखना चाहिए कि ये धारणा सही या नहीं। अगर घटित होती है तो फिर मानना चाहिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो, क्योंकि सब अगर आपके कल्याण ही के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें झगड़े की बात कौन सी। ये तो ऐसा ही हुआ कि आदमी अपनी नाक मुंह को नोच ले क्योंकि उसको झगड़ने की आदत, इसलिए इन्होंने मना किया हुआ सबने कि माँ आप प्रश्न मत पूछिए, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में। देखिए हम तो माँ है ना, हम जानते हैं कि खोपड़ी कहीं कहीं घूम ही रही है। तो इतना ही कहूंगी कि कुछ प्रश्न हो आपको तो आप लिख दीजिए, और कल भाषण में मैं उसका सब उत्तर व्यवस्थित रूप से दे दी। आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत से सेंटर्स हैं और अब एक आश्रम भी बन गया। सबसे पहला आश्रम दिल्ली में ही बना है, वहां कोई रहेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कम से कम एक आश्रम बन गया। और उस आश्रम में हम लोग प्रोग्राम इनका होता है, सेंटर है, और वहां सबसे बड़े निपुण लोग कहना चाहिए, जो कि सहयोग में हमको समझते हैं कि बहुत निपुण है, वो लोग कार्रवाई करते हैं। और एक बार जागृति होने के बाद सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि इस जागृति का जो कनेक्शन है वो ठीक से फिट बैठ जाए, बस उसके बाद आप देख लीजिए कि आप क्या कमाल की चीज है। जैसे किसी देहात में जाइए और वहां आप टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहिए कि इस डब्बे में ही आप देख सकते हैं सारी दुनिया की, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो जानते नहीं ना उसके बारे में। ऐसे हम भी अपने बारे में नहीं जानते, पर जब कनेक्शन लग जाता है तो हैरान हो जाते हैं। तो आप क्या है, आपका गौरव क्या है, आपकी शक्तियां कितनी हैं, आप कितनी महान चीज है, वो सिर्फ आपके आत्मदर्शन से ही, उस प्रकाश में ही आप जान सकते हैं। इसके अनेक अनेक चमत्कार कहिए या कहें लाभ, जो भी से कहें, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि आप एक ऐसा मानव बन जाते हैं कि जो संसार की सारी शांति का, आनंद का एक स्रोत हो जाए। आपके सारे ही प्रश्न साथ ही साथ भी हल हो जाते। और जैसे कि जब तक आप पानी में खड़े हैं तो आप पानी से डरते हैं, पर जब आप किसी बोट में चले आए तो उसी को देखते हैं, और उसके बाद जब आप तैराक हो जाते हैं तो उसी पानी में कूद पड़ते हैं और पचासों को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी प्रगति होती रहती है। पहले आप निर्विचार होते हैं, फिर आप निर्विकल्प हो जाते हैं, और उसके बाद एक आप पक्के सहयोगी होकर के दुनिया का कल्याण करते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ आप हमारी संस्था है। और इसमें कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम सहयोगी है, कोई दिमाग में लगातार में घूमे हम सहयोगी है। ऐसे बहुत से हैं कि अपने पैसे कि हमारा फिर से जन्म हो गया, हम फलाने हैं ठिकाने, पर उसकी शक्तियां कहाँ है, वो स्वभाव कहाँ है,
वो तबीयत वो रियासत कहाँ है। ये तो अच्छा है कि बगैर किसी रियासत के आप कहें कि हम बड़ी रियासत वाले, उसी तरह की चीज हो गई। अगर आप हैं तो साक्षात होना चाहिए, दिखना चाहिए, लोग समझना चाहिए। तो इस चीज में आप सिर्फ ईमानदारी पर और अपने प्रति बहुत प्रसन्न चित्त हो, अपने को कोई दोष या न लगाए, तो ये कार्य हो सकता है। ठीक है ना? अब प्रश्न तो नहीं चाहिए।